शराबी के नत्थूलाल मुकरी के नाम दर्ज है ऐसा रिकॉर्ड। दिलीप कुमार अमिताभ भी नहीं तोड़ पाए एक्टर मुकरी। हिंदी सिनेमा की महान शख्सियत एक्टर मुकरी। 1945 में प्रतिमा फिल्म से उन्होंने दिलीप कुमार के साथ एक्टिंग करियर की शुरुआत की और 50 सालों तक उनका जलवा कायम रहा। महान एक्टर मुकरी का 5 जनवरी 1922 को रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था उनका जन्म। दिलीप कुमार से थी दोस्ती, वही मुकरी को फिल्मों में लाए। हिंदी सिनेमा 100 वर्ष से अधिक पुराना है। इन वर्षों में अनगिनत महान शख्सियतों ने इसे समृद्ध बनाया है। किसी ने अपनी अदाकारी से तो, किसी ने अपनी कॉमेडी से, किसी ने गायकी से तो, किसी ने लेखनी से। सभी का योगदान हिंदी सिनेमा की इस भव्य में कहीं ना कहीं नजर आता है। आज एक ऐसे ही महान शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जिनके कंधों पर दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने का जिम्मा होता था। उस एक्टर का नाम है मुकरी। एक्टर मुकरी का पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी था। एक्टिंग का जुनून था, हास्य कला का कौशल था और उसी के बल पर साल 1945 में दिलीप कुमार की फिल्म प्रतिमा में उन्हें काम करने का पहली बार मौका मिला। दिलीप कुमार और मुकरी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। फिल्मों में आने से पहले मुकरी एक पेशेवर काजी थे और दिलीप कुमार उन्हें सिनेमा में ले आए। दिलीप कुमार से उनकी खास दोस्ती थी। पहली ही फिल्म से मुकरी ऐसे छाए कि हर निर्माता की आंखों के तारे बन गए। सिनेमा के 50 वर्षों में मुकरी ने करीब 600 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मुकरी अपनी इन 600 फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में भी दे गए जिनमें से अगर उनके रोल को निकाल दिया जाए तो पूरी फिल्म लड़खड़ाने लगेगी। अगर अमर अकबर अंथोनी की कहानी से तैयब अली को निकाल दिया जाए तो क्या बचा रह जाएगा। अमिताभ बच्चन के संग 10 फिल्में की फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा, भाई वह जवाब नहीं आपकी मूंछों का, मूंछें हों तो नत्थूलाल जी जैसी वरना न हो। ये नत्थूलाल थे एक्टर मुकरी। शराबी, नसीब, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, महान, कुल्ली, अमर अकबर, अंथोनी में मुकरी ने जो काम किया वो उन्हें अमर करता है। अमिताभ बच्चन के भी वह पसंदीदा सह कलाकार रहे। दोनों ने साथ 10 फिल्मों में काम किया। मुकरी के फिल्मों का रिकॉर्ड हिंदी फिल्मों में 600 से ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड एक्टर मुकरी के नाम दर्ज है। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। हालांकि महिलाओं में यह रिकॉर्ड ललिता पंवार के नाम है जिन्होंने 750 फिल्में की थीं। आज मुकरी हमारे बीच नहीं है लेकिन मदर इंडिया, बॉम्बे टू गोवा, गोपी, कोहिनूर, फरिश्ते, जादूगर जैसी फिल्मों के लिए सदा उन्हें याद किया जाएगा। 4 सितंबर 2000 को हार्ट अटैक और किडनी फेल होने के चलते लीलावती अस्पताल में उनका निधन हो गया था। जिस वक्त उन्होंने आखिरी सांस ली उनके दोस्त दिलीप कुमार पत्नी सायरा बानो के साथ अस्पताल में उनके साथ थे। तो दोस्तों, मुकरी जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।